तो सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में किस तरीके से करूं, और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा मुझे कभी कहना पड़ेगा कि ब्रेव वायट इज रिलीज्ड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब ये कहने मुझे इतना ज़्यादा वियर्ड लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन कल रात को डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी दुनिया को शॉक करती हुई नजर आती है, क्योंकि एक और बजट कट होता है एंड ब्रे वायट को उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया जाता है। अब कोई सेंस वैसे बनता नहीं इस चीज़ का कि ब्रे वायट जैसे बड़े सुपरस्टार को, जो कि आपकी मर्चेंडाइज सेलिंग, यूट्यूब वीडियोस और ऊपर से रॉकी रेटिंग्स के अंदर मदद करता है, आपने अचानक से उसे कंपनी से निकाल दिया, बल्कि वो हमें अगस्त के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आ रहे थे। समर स्लैम के अंदर उनका मैच होने वाला था। तो भाई कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ब्रे वायट के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज को लेकर क्या रीजन है, कौन सा उनका समर स्लैम का मैच होना था, विंस मैकमैन और ब्रे वायट के बीच क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण ब्रे वायट को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाल दिया गया है। तो देखो वीडियो को पहले शुरू करते हैं ब्रे वायट के रिलीज के रीजन के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिवील हुआ है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात रिवील की है कि ब्रे वायट को हम लोग कंपनी से रिलीज करते हैं ये रात को, कल 10:30 के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें अनाउंस करती हुई नजर आती है। पहले क्या करते हैं, पहले अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस चीज को अनाउंस करते हैं कि ब्रे वायट को कंपनी से निकाल दिया गया है, लेकिन अचानक से जैसे फैंस की अटेंशन जाती है उस चीज के ऊपर, डब्ल्यूडब्ल्यूई उस ट्वीट को डिलीट करती हुई नजर आती है। तो शायद मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को या फिर इस डिसीजन को रिवर्स करने वाली है, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से उसी चीज को ट्वीट करती हुई नजर आती है, इवन जो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी तुरंत आर्टिकल पोस्ट कर देती है कि ब्रे वायट को कंपनी से निकाल दिया गया है। मैं सही बता रहा हूं कि मुझे अभी तक इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा है। ब्रे वायट इतने अच्छे सुपरस्टार थे, इनफैक्ट चलो मैं मानता हूं ब्रे वायट पुराना वाला उतना बेहतर नहीं था, लेकिन जब से उनका फीड वाला करेक्टर आया है, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें निकालने का कोई भी रीजन बनता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मैं बहुत मुश्किल से ब्रॉन स्ट्रोमन की जो रिलीज है उसको भाई समझा पाया था कि हाँ स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए, स्ट्रोमन काफी अच्छे सुपरस्टार थे, अब जो होगा भाई स्ट्रोमन के हाथ में वापस आएंगे या फिर नहीं। लेकिन ब्रे वायट को रिलीज करना डब्ल्यूडब्ल्यूई की कितनी बड़ी गलती है, आई थिंक आने वाले टाइम में उनको डेफिनेटली पता लगने वाला है। और भाई जो अपडेट्स और रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उनके अकॉर्डिंग जो ब्रे वायट को कॉल गई थी उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज को लेकर, उसमें उन्हें ये बात बताई गई कि भाई हमने बजट कट किए और बजट कट के अंदर इस बार तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज कर दिया जाता है। मतलब इतनी क्या भाई पैसों की कंगाली पड़ गई, डोनेशन ले लो यार हम सभी से, हम लोग थोड़ा थोड़ा डोनेट करके किसी तरीके से तुम्हारी कंपनी की हेल्प ही कर देंगे। मतलब यहाँ पर कोई सेंस बनता है कि बजट कट हो रहा है और आप रोमन रेंस को निकाल दो ना यार, फिन बैलर को निकाल दो, सेथ रॉलिंस को निकाल दो, ड्रू मैकइंटायर को निकाल दो, तुम पैसे बचा के, भाई क्या कहूँ यार मैं, तुम ले जाओ भाई ऊपर ले जाओ तुम पैसे बचा के। अब यहाँ पर जब ये आता है कि भाई बजट कट के कारण रिलीज की गई है ब्रे वायट, तो यहाँ पर ये चीज़ हजम करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन भाई कुछ अपडेट्स आती हैं सामने, उनके अकॉर्डिंग ब्रे वायट को पिछला जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कट हुआ था बजट कट, उसके अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें रिलीज करने वाली थी, लेकिन जानबूझ के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस टाइम रिलीज नहीं किया कि भाई ऐसा ना हो कि फैंस काफ़ी ज़्यादा भड़क जाए अगर ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वायट को भी रिलीज करती हुई नजर आती है। ये चलो बात रही रिलीज के बारे में, बात करते हैं विंस मैकमैन और ब्रे वायट के रिलेशन के बारे में। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रे वायट आज से कुछ महीने पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है उनकी बुकिंग को लेकर, क्योंकि ब्रे वायट के हिसाब से उनका जो करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था कि नहीं भाई कोई भी बंदा ब्रे वायट को हराएगा नहीं, कोई भी बंदा ब्रे वायट को टच नहीं कर सकता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ब्रे वायट के हिसाब से करेक्टर है, माना अच्छा करेक्टर है, गिमिक अच्छी है, लेकिन फिर भी भाई एक करेक्टर हारना भी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आप उसे जिताते चले जाओगे, अचानक से उसे आपने रेसलमेनिया के अंदर हरा दिया। तो ब्रे वायट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, उनकी जो बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब वे में हो रही है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आई नो विंस मैकमैन को उनका करेक्टर पसंद था, लेकिन भाई ये वो कुछ रीज़न थे जब ब्रे वायट काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं तो विंस मैकमैन और ब्रे वायट के रिलेशन जो है वो उतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहते हैं। और ये एक और रीज़न माना जा रहा है क्यों विंस मैकमैन ने ब्रे वायट के रिलीज़ को नहीं रोका, क्योंकि विंस मैकमैन खुद खुश नहीं थे ब्रे वायट से कि भाई ये बार बार बंदा इस चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं कि उसका करेक्टर अच्छा बुक नहीं किया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, तो इसलिए विंस मैकमैन ने भी ब्रे वायट को यहाँ से जाने दिया। अब देखो वैसे जो ब्रे वायट की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न थी वो प्लान की गई थी अगस्त के लिए, यानी कि अगस्त के पहले वीक के अंदर एक बार फिर से ब्रे वायट हमें रॉ के अंदर आते हुए नजर आते, इनफैक्ट वो एडवर्टाइज भी किए जा रहे थे, और ऊपर से जो बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीकली शोज होते हैं या फिर कह लो जो सुपर शोज होते हैं वहां पर भी ब्रे वायट को काफी सारे शोज के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा था कि फीड एक बार फिर से वापस आने वाले हैं, लेकिन अचानक से उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया जाता है। इसकी जो प्लानिंग थी वो आज से काफी टाइम पहले ही चल रही थी, क्योंकि भाई ओरिजिनल प्लान ये थे कि समर स्लैम 2021 के अंदर फीड वर्सेज ड्रू मैकइंटायर का मैच होने वाला था। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि क्यों ना जो ब्रे वायट की रिटर्न है या फिर फीड की रिटर्न है वो कुछ इस तरीके से बुक की जाए कि वो ड्रू
मैकइंटायर के ऊपर हमला करें। समर स्लैम 2021 के अंदर ड्रू मैकइंटायर और फिएंड के बीच मैच हो जाए। जब ये सारी बातें डिस्कस होती हैं, अचानक से WWE आखिरी टाइम पर प्लान चेंज करते हुए नजर आते हैं, जब वो ड्रू मैकइंटायर का सामना करवा देती है जिंदर महल से, और जिंदर महल और ड्रू मैकइंटायर का फ्यूड शुरू हो जाता है। तो शायद तभी से जो इंटरनल पूरे सुपरस्टार्स हैं या फिर कह लो जितने भी क्रिएटिव टीम के मेंबर हैं, उन्हें इस बात का आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई WWE अब ब्रे वायट को रिलीज करने वाली है। और भाई मेरी तरह आपकी तरह पूरा जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा शॉक होता है। केरन क्रॉस हो गए, एडम पियर्स हो गए, यहाँ पर रीने यंग हो गए, सभी अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते, राय बैक देते कि भाई ब्रे वायट काफी अच्छे इंसान थे, माइकी जेम्स देती हैं, यहाँ पर जेलसा ग्रीन देती हैं, सभी अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो ब्रॉन स्टोन का रिएक्शन है वो थोड़ा स्पेशल होता है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो यहाँ पर कहते हैं कि शायद इसको कोई कैप्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। और ये फोटो है मनी इन द बैंक के शो की, आपको याद होगा जब ब्रॉन स्टोन यूनिवर्सल चैंपियन थे और वो यहाँ पर ब्रे वायट से गले मिल रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पर कोई भी कैप्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम सभी जानते हो इस चीज का मतलब। और ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये कहते हैं कि बिग ब्रदर में तुम्हारा इतने लंबे टाइम से वेट कर रहा था, फाइनली वो जो चीज है वो हो रही है, और तुम और मैं एक साथ काफी जल्दी आते हुए नजर आएंगे। बात आती है एलेक्सा ब्लिस के बारे में, तो भाई एलेक्सा ब्लिस का भी फिलहाल जो मैं स्क्रीनशॉट है वो दिखा नहीं सकता। रीजन ये कि एलेक्सा ब्लिस ने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको प्राइवेट कर दिया, जहां पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था। अब होता है जब एलेक्सा ब्लिस अपना रिएक्शन देती है कि वो काफी ज्यादा शॉक में, काफी ज्यादा डिसबिलीव में है कि ब्रे वायट को WWE कंपनी से निकाल देंगे, वो काफी टैलेंटेड थे और उन्होंने इस बिजनेस के अंदर काफी सारी चीजें की हैं, तो फैंस क्या करते हैं ब्लेम करना शुरू करते हैं एलेक्सा ब्लिस को कि भाई तुम्हारे करेक्टर के कारण, तुम्हें एक तरह का पुश देने के कारण WWE ने ब्रे वायट को रिलीज कर दिया, क्योंकि अगर तुम ना होती तो शायद फिएंड का जो करेक्टर है वो वैसे ही चलता होता। रेसलमेनिया के अंदर अगर रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच होता तो इस मैच में भी हमें फिएंड जीते हुए नजर आते, लेकिन एलेक्सा ब्लिस के करेक्टर के कारण WWE मजबूर हो गई ब्रे वायट को WWE कंपनी से रिलीज करने के लिए। अब आपके हिसाब से कितना ज्यादा सही है कि आपके हिसाब से भी एलेक्सा ब्लिस वो करेक्टर है जिसके कारण ब्रे वायट को WWE से निकाला गया? और साथ ही में बात रहती है ब्रे वायट के फ्यूचर के बारे में, तो ये अभी ब्रे वायट ने अपना खुद का कोई भी रिएक्शन नहीं दिए उनके WWE रिलीज को लेकर, लेकिन हाँ मेरी तरह आपकी तरह पूरा जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा शॉक है कि भाई ये कौन से नशे हैं जब WWE ने ब्रे वायट को कंपनी से रिलीज कर दिया है। तो ये वो कुछ चीज है जो कि मेरे हिसाब से आपको जाननी चाहिए ब्रे वायट के पूरे रिलीज को लेकर, कि जो मेन रीजन है वो बजट कट बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में रीजन है विंस मैकमैन और ब्रे वायट के खराब रिलेशनशिप का, और ब्रे वायट का नाराज होना उनकी ज्यादा प्रोटेक्टिव बुकिंग के ऊपर। और मेरे हिसाब से WWE ने अपने रीसेंट टाइम की एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है ब्रे वायट को रिलीज करके, और डेफिनेटली टोनी खान भाई इनके पीछे आने वाले हैं, और फिएंड हमें काफी जल्दी अपने ब्रे वायट काफी जल्दी ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन का हिस्सा होंगे। सोचो अगर स्ट्रोमन वहां पर आ जाए तो भाई मैं भी डेफिनेटली AEW को काफी जल्दी देखने वाला हूँ। ब्रे वायट वन ऑफ दी फेवरेट करेक्टर था मेरा, फिएंड वाला जो करेक्टर था भाई अलग लेवल का था, अलग लेवल की एंट्रेंस थी, अलग लेवल का करिश्मा था उस बंदे के अंदर। लेकिन ब्रे वायट को रिलीज करना इस टाइम पर जब वो अपने करियर के पीक पे थे, आई डोंट थिंक सो WWE का एक अच्छा डिसीजन होने वाला। बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से ब्रे वायट, एंड थैंक यू सो मच जो कि आपने WWE को दिया, आपने WWE के लिए किया। एंड मुझे नहीं पता वीडियो को कैसे एंड करना, लेकिन ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। कमेंट सेक्शन के अंदर भाई जरूर लिखना #, थैंक यू ब्रे वायट। और भाई मैं वेट नहीं कर सकता उनके अगले मूव के लिए, एंड क्या कहूँ मैं, बिलीव हो नहीं रहा है यार ब्रे वायट WWE कंपनी में अब नहीं है। एंड टिल देन बाय, टेक केयर।